अगर आपका 9 से 13 के बीच में स्कोर होता है तो यू हैव अ मॉडरेट लव फॉर योर सेल्फ, तो आपका अपने ही प्रति जो प्यार है वो मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है बट नरम है, कोमल है। इफ़ यू आर कॉन्शियस ऑफ योर नेगेटिविटी टूवर्ड्स यू, अगर आप अपनी नेगेटिविटी यानी अपने प्रति टूवर्ड्स यू, अपने प्रति जो नेगेटिविटी है उसके प्रति अगर आप कॉन्शियस हैं उसके बारे में, यानी कि जागृत हैं, आपको पता चलता है कि हाँ आपके प्रति आप ही नेगेटिविटी रखते हैं, तो ट्राई एंड आइडेंटिफाई दी एरियाज़ ऑफ योर लाइफ। तो ट्राई कीजिए पहचानने की अपने जीवन के उन क्षेत्रों के बारे में दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस, जिन क्षेत्रों ने लाइफ के जिन हिस्सों ने इन नेगेटिविटी में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, योगदान दिया है। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी लाइफ में जिसकी वजह से आप अपने बारे में नेगेटिव सोचने लगे, तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए। ट्राई एंड लेट फॉल्स ओपिनियंस ऑफ योर सेल्फ गो, कोशिश कीजिए और जितना हो सके फॉल्स ओपिनियन जो है, जो गलत राय है ओपिनियन आपके बारे में, उनको जाने दीजिए, मतलब उनके बारे में मत सोचिए। जो 14 से लेकर 26 के बीच में अगर स्कोर हो तो क्या होगा? अ स्कोर इन दिस रेंज सजेस्ट यू हैव अ नंबर ऑफ कंसर्न्स अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ। अगर इस रेंज में कोई स्कोर आता है तो वो ये दर्शाता है कि आप अपने बारे में काफ़ी चिंतित हैं, आप और आपकी लाइफ के बारे में भी काफ़ी चिंतित हैं। नंबर ऑफ अनेक चिंताएं आप अपने बारे में एक तरह से पाल कर रखते हैं। दीज कंसर्न्स आर लाइकली टू फीड अ नेगेटिव सेल्फ इमेज। अब ये जो कंसर्न्स हैं, ये जो चिंताएं हैं, ये लाइकली मतलब सामान्य रूप से या स्वाभाविक रूप से आपकी नेगेटिव सेल्फ इमेज को फीड करते हैं, मतलब नेगेटिव सेल्फ इमेज को ये बढ़ावा देते हैं। एंड कुड अपसेट योर चांसेस ऑफ फीलिंग सक्सेसफुल, और हो सकता है कि आपके सक्सेसफुल की भावना को फील करने के चांस को ये अपसेट कर देते हैं, एक तरह से बिगाड़ देते हैं। मतलब आप सक्सेसफुल होने की भावना उतनी महसूस नहीं कर पाते, वैसा अवसर नहीं मिलता, ऐसे अवसर को ये बिगाड़ देते हैं। और पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, या तो आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, ऐसे भी चांस आते आते रह जाते हैं। किसकी वजह से? तो आपके नेगेटिव सेल्फ इमेज की वजह से। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज विच एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू आर अनहैप्पी विथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पहचानना, रिकग्नाइज करना कि आपकी लाइफ का कौन सा पहलू है जिसकी वजह से आप अनहैप्पी हैं, दुखी हैं, और डिसाइड टू टैकल वन एस्पेक्ट। और आपको डिसाइड करना है कि वो एक एस्पेक्ट को यानी एक पहलू को आप टैकल करें, संभालें, उसका सामना करें ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू पुट यू बैक इन कंट्रोल, जिससे कि आप वापस संतुलन में आ जाएं।